हेलो दोस्तों, गुरुकुलम द यूनिक पॉइंट ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हेमंत पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। आज हम नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड वैसे जनरली हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। कॉम्पिटेटिव जो गवर्नमेंट नौकरी के लिए होता है वो तो ठीक है, आजकल प्राइवेट नौकरी में जो भी टेस्ट होते हैं वो भी एप्टीट्यूड बेस पे होते हैं। और जो सबका चाहिए अपना टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। मैं प्रॉफिट लॉस से इसलिए ही भी शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि बाकी नंबर सिस्टम या एवरेज वाले क्वेश्चन तो ज्यादातर लोग कर ही लेते हैं। बच्चे जो पहली बार एग्जाम देंगे फर्स्ट ईयर में, जो फाइनल ईयर में जैसे ही कंपनी में बैठेंगे, तो बेसिकली ये सीरीज उन्हीं के लिए होने वाली है। तो इसलिए मैं जो बच्चों को जो सबसे हार्ड टॉपिक लगते हैं और जहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं तो बोर्ड कराना सबसे पहले मैंने जरूरी समझा, इसलिए मैं प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट करता हूँ। तो प्रॉफिट लॉस में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ दो चार कंसेप्ट पर ही रहें, उन्हीं से आपके पूरा क्वेश्चन हो जाएंगे और आपके एक या दो लाइन में आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ज्यादा सॉल्यूशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आप दो चार चीजें आप याद रखें। सबसे पहले मैं कुछ फ्रैक्शनल नंबर लिखा रहा हूँ, जो फ्रैक्शन होते हैं स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, उनकी वैल्यू क्या आती है परसेंटेज में, जो कि डायरेक्ट गिवन रहेगी। जैसे अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में 16.2 2/3% इस टाइप के जो परसेंटेज दिख रहे हैं, 12.5% या अपना इसमें भी 20% है, 16.2 2/3% इस टाइप के जो परसेंटेज दिख रहे हैं, इनको अपन कैसे इजी बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज हम ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आप ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बहुत कॉन्फिडेंट में रहेंगे प्रॉफिट लॉस जब भी करने बैठेंगे। तो मैं कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन निकालता हूँ, वो आप याद करना है सबसे पहले। तो देखो, आप सब जानते हैं, आपको पता भी है, 1/1 कितना होता है 100%। दूसरा 1/2 50%। तीसरा 1/3 33% 1/4 25%। ये आप याद रख लें मौखिक, 1.5% ये आपका हो जाएगा 20%। अभी आप कम पढ़ेंगे, अगला आएगा 1.1/6% 16.2/3%, अगला आएगा 1/7% यह जाएगा 14.2/7%। इसके बाद भी कुछ परसेंटेज और आएंगे, 1/8% 1/8 ये हो जाएगा आपका 12.1/2%। या इसको अपन लिख सकते हैं 12.5%, जब भी गिवन रहेगा तो आपको ये लिखना रहेगा। अगला रहेगा 1/9% 11.9%। अगला आपका आएगा 1/11% ये रहेगा आपका 99.11%। अगला आपका 1/12% 1/3% 1/14% 1/14 ये आएगा 7/7% 1/15% ये आएगा 6/2/3% अगला है 1/16% आएगा 6/4%। तो ये कुछ स्टैंडर्ड है, एक वाला मैं और रिवाइज करा देता हूँ, आप इनको ध्यान लगे। 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 13.33 1/4 25% होता है, 1/5 20%, 1/6 16.16/2/3, 1/7 14.14/2/7, 1/8 12/1/2,
एक बटे 9% हो जाता है 11 से 1/9%, 1/11 नौ सही, 1/11%, 1/12 आठ सही, 1/3%, 1/14 सात सही, 1/7%, 1/15 16 सही, 2/3%, 1/16 छह सही, 1/4%। इस तरह से हमारे ये परसेंटेज निकल जाते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं परसेंटेज के बाद। ये इसका बेसिक है, ठीक है, जो कि आपको याद भी रखना है। अब हम आगे एक कुछ प्रॉफिट लॉसेस में कुछ टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं जो कि आपको हर क्वेश्चन में काम पड़ने वाली है। तो देखिए किस तरह से। सबसे पहले अगर मैं कोई बात दे रहे हैं, जैसे कोई प्रॉफिट दिया रहे हैं, प्रॉफिट मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो, मतलब हिंदी में बोले तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दो तो आपका लाभ आ जाएगा। लॉस कब होता है, जब आपने कोई सामान 100 रुपये में खरीदा और उसको 90 रुपये बेच रहा है, 10 रुपये का आपको लॉस हो गया, तो क्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा, सीपी ज्यादा हो जाएगा विक्रय मूल्य से, एसपी से, ठीक है। एक बात, दो बात, तीसरा फॉर्मूला आपका यूज पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, लाभ का प्रतिशत। वो अगर प्रॉफिट जितना भी हुआ वो सीपी पर, कितने सीपी है, इंटू 100। चौथा है आपका परसेंटेज लॉस, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। इस तरह से पहला आपका लाभ कितना होगा, लाभ कैसे आएगा, आपने विक्रय में कोई चीज 100 रुपये में बेची, आपने 100 रुपये में खरीदी और 110 में बेच दी, तो 10 रुपये का आपका लाभ हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो लाभ हो गया। हानि कैसे होगी, जब आपने 100 रुपये में खरीदी वस्तु और 90 में बिक पा रही है, तो 10 रुपये का लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, इस क्वेश्चन के भी छोटे छोटे एग्जाम में यहाँ से भी आ जाते हैं। प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज, जितना भी आपने मान लो 10 रुपये का आपको लाभ होगा, तो 10/ आपने 100 में खरीदी तो 10/100 इंटू 100, तो 10% आपको लाभ हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है परसेंटेज लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, ये बात ध्यान रखें। तो ये बेसिक हो गए। अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे आपको कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन रहे हैं जो कि ऐसे नॉर्मल मेथड से आपको कई कंसेप्ट ज्यादा रखने पड़ते हैं, लेकिन जो मैं मेथड बताऊंगा उससे आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 1750 एट प्रॉफिट ऑफ 16 सही 2/3%। देखो अभी ये आ गया, 1750 रुपये में कोई वस्तु 16 सही 2/3% के लाभ पर बेची गई है, इसका हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अब क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने कुछ चीजें बताई हैं आपको, सिर्फ वही चीज बस याद रखना है। जैसे आपको ये प्रॉफिट का परसेंटेज दिख रहा है, ठीक है, मैंने बताया था ये सब काय पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो सबसे पहले आपको ये दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे ये दिया है 16 सही 2/3%। तो ये 16 3 48, 48 और 2 50, 50/3 %, का 100, एकम दूनी, मैंने बताया भी था इसका मान होता है 1/60%। अब देखो मैं एक बात मैंने आपको बताई थी, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका सीपी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बताइए, जब प्रॉफिट हो रहा है, जब प्रॉफिट हो रहा है कोई चीज का, तो ऑब्वियसली बात, तो एसपी क्या रहेगी, सीपी से ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने अभी फार्मूला भी लिखवाया था आपको,
फॉर्मूले अब मैं आपको बताया था पी बराबर एस पी माइनस सी पी, तो पी कितना यहाँ पे वन, एस पी निकालना है सी पी छ, तो एस पी कितना आ गया सात। अब देखो ये वस्तु एस पी पर सोल्ड एट 1750, मतलब सात यूनिट की कीमत कितनी 1750, तो सात यूनिट की कीमत कितनी हो गई। थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको कठिन लग सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। सात यूनिट की कीमत कितनी हो गई 1750, तो एक यूनिट की कीमत कितनी हो गई, सात एकम सात, सात दूनी चौदह, तीन सात पंद्रह पैंतीस, 250 रुपये, तो 250 रुपये कितनी की एक यूनिट की हो गई। तो अपने को सीपी निकालना है, सीपी कितनी यूनिट दी है 6 यूनिट, तो 6 का गुणा हो जाएगा 250 में, कितना जाएगा 15, तो 1500 रुपये इस तरह से हमारा सीपी आ गया। देखो बिल्कुल इजी है, तीन चार लाइन इसलिए मैंने एक स्टेप बताई, अभी अगले क्वेश्चन से अपन डायरेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम सिर्फ हम ये परसेंटेज देखकर ही निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देते हैं। देखो अगला भी सेम क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा बस अंतर रहेगा उसमें। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर टू में दिया है फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल विच इज सोल्ड एट आरएस 729 एट प्रॉफिट 12.5%। अब ये प्रॉफिट पे आपको कोई चीज बेची गई है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पहले मैंने बताया इसका परसेंटेज का क्या निकलेगा, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, आपको मैंने लिखवा दिया हूं कैसे आता है, 1/8%, ये क्या हो गया ऊपर का प्रॉफिट, नीचे का कॉस्ट प्राइस पे भेजते हैं हमेशा परसेंट, ये कॉस्ट प्राइस हो गई। तो देखो प्रॉफिट हो रहा है तो हमेशा प्रॉफिट में क्या सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगी, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 9, इसकी कीमत कितनी दी है 9 यूनिट की, 9 यूनिट की कीमत दी है 729, तो 1 यूनिट की कीमत कितनी हो जाएगी 8, 8 9 72, 8 1 8, तो 1 यूनिट की कीमत हो गई 81। तो आपको क्या है कास्ट प्राइस निकालना है, मतलब 8 यूनिट की कीमत निकालना है, तो सीपी कितनी हो जाएगी 8 × 81, 8 1 8, 8 8 64, ये आंसर आ जाएगा आपका, ये आ गया दूसरा, इसका बी रहता इसका तीसरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम कितनी आसानी दो तीन स्टेप में ही कर दिए, ठीक है, कुछ नहीं। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, 12.5% दिया था प्रॉफिट दिया था, तो प्रॉफिट परसेंट हमें इसका क्रॉस कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो 1 आ गया प्रॉफिट, 8 आ गया सीपी, तो सीपी बराबर 9 यूनिट बराबर 729, तो अब इनको काट दो 1 1 1, और इसको 1 यूनिट कीमत निकाल लो पहले, जो जितनी भी यूनिट दी है उससे गुणा कर दो, सीपी में 8 यूनिट है कि नहीं, 9 यूनिट का ही नहीं, एसपी की 1 यूनिट प्रॉफिट की है इसमें, ऐसे आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ में आने लगे होंगे मेरे हिसाब से। तीसरा क्वेश्चन, अब इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट ऑन इट्स सेलिंग प्राइस विल बी, कहने का मतलब क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का के क्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है, अब देखो क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है, यदि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब इसकी अपने को गणना प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन करना है वो सेलिंग प्राइस पे करना है। क्वेश्चन काफी अच्छा है, अगर आपको ट्रिक या जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं पता है तो इसमें थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन जब ये कंपनी में तो बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप कोई भी कैंपस में बैठते हैं तो उसके लिए तो ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते ही हैं।
आप इसके लिए क्या करें, सिंपल डिजीज है तो क्या बोल रहा है, 20 प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वही बताया है, 20% अपॉन 100 1/5, ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया सीपी कॉस्ट प्राइस। अब देखो प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी क्या हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 6 हो जाएगा। अब अपने को क्या निकालना है, लाभ निकालना है विक्रय मूल्य पर, तो कहने का मतलब विक्रय मूल्य पे निकालना है तो आपका प्रॉफिट 1 है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एट सेलिंग प्राइस पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन एसपी, प्रॉफिट कितना है 1 यूनिट है, एसपी अच्छा है, इस तरह से इनटू 100, तो ये क्या आता था 1/6 आता था 16 सही दो पर परसेंटेज, इस तरह से किया जाएगा, कुछ नहीं आसानी है। 20% बोल रहा है कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पे बोल रहा है 20/100, तो 1/5 इसको काट देंगे 1/5, तो 1 यूनिट प्रॉफिट है, 5 यूनिट सीपी है, तो एसपी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे 5 और 1, 1 और 5 6, तो अब इस पे पूछा है इसने प्रॉफिट पर, प्रॉफिट पूछा है सेलिंग प्राइस पे, तो प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो इसको आप करेंगे तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16 सही 2/3% लॉस। अब देखो लॉस बोल रहा है ऑन सेलिंग प्राइस, तो इसमें क्या बोल रहा है लॉस, अब लॉस हो रहा है इसमें, तो लॉस वाला कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो ये देखिए ये क्या है 16 सही 2/3%, इसका मतलब होता है लॉस हो रहा है इसलिए -1/6 काय पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे लॉस हो रहा है, तो मतलब ऊपर का क्या हो गया लॉस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब दोनों को जोड़ दो तो इसमें लॉस हो आ रहा है, तो देखो जब भी लॉस होता है प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा रहती है, जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहेगी, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी इसमें 6 और 1 7। अब अपने क्या निकालना है, इस पे लॉस एक वस्तु एक एक दुकानदार एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य पर 16.16 सही 2/3% हानि पर बेचता है, इस की वास्तविक हानि, वास्तविक हानि क्या होती है, लॉस अपॉन सीपी, लॉस कितना है इसमें, परसेंटेज लॉस पूछा है इसमें, तो परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा, लॉस क्या है बाबा 1 है, और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 7, 1/7 × 100, ये क्या निकाल के आएगा आपका 1/7 14 सही 2/7, ये वाला आंसर आ जाएगा इसका, भाग करके देख लो आप लोग, इसमें आपको वास्तविक हानि पूछा है, वास्तविक हानि का मतलब यही होता है या एक्चुअल लॉस, तो क्योंकि लॉस या प्रॉफिट ये अपन हमेशा सी पर सीपी पर ही करते हैं, पहले इसमें किसने काय पे दिया था, सेलिंग प्राइस पे दिया था, इसलिए उसको अपन ने इसमें कर लिया। अब अगला आइए, अगला क्वेश्चन है बाय सेलिंग ऑन आर्टिकल अ मैन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% पूछ रहा है ऑफ सेलिंग, सेलिंग प्राइस पर है ये भी, हिज एक्चुअल परसेंटेज। अब देखिए इसमें क्या बोला, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% लाभ पर बेचता है, 25% लाभ पर बेच रहा है अभी, काय पर सेलिंग प्राइस पर, अब एक्चुअल प्रॉफिट पूछा है तो ये वही सी पर ही पर आएगा, तो
इसको कैसे करेंगे, 25% लाभ बोल रहा है तो 25 अपॉन, तो ये प्रॉफिट सेलिंग प्राइस है 1/4 PSP। अब देखिए इसमें इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा, तो कितना हो जाएगा 4-1, तो कितना हो जाएगा 4-1 हो जाएगा 3, सीपी आ गई 3। एक्चुअल प्रॉफिट क्या हो जाएगा इसका, एक्चुअल प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितना है 1 यूनिट, सीपी है 3 × 100, किया जाएगा आपका 33 सही 1/3%, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो जब भी हमेशा आपको देखना रहेगा कि सेलिंग प्राइस क्या दी है, ये परसेंटेज प्रॉफिट कहाँ पे दिया है, सेलिंग प्राइस पे दिया है कि कॉस्ट प्राइस पे दिया है। तो जब भी हम एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस की बात करें, जैसे 14 और 5 का क्वेश्चन है, तो हमेशा एक्चुअल जब भी आए तो ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य पर ही हमेशा आधारित होता है। तो इस तरह से मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए, 5 क्वेश्चन में आपको अलग अलग कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो आपको कुछ भी फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ आप यही प्रॉफिट बटे सेलिंग प्राइस या प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस से पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विद इन 15 सेकंड के अंदर। तो थैंक यू, अगले लेक्चर में इसके बाद के हम 5-10 क्वेश्चन फिर कराएंगे, इस तरह से आपके प्रॉफिट लॉसेस के 5-6 सीरीज में आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें, जो भी आप चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं।